राज्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत आयोजित मुख्य परीक्षा 2019 व प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम और राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए अधिसूचना जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने MPPSC ऑफिस का घेराव किया। मंगलवार दोपहर को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऑफिस के बाहर जमा हुए और हाथों में बैनर, पोस्टर, कटोरे और किताब लेकर रोड पर बैठ गए और अपने रिजल्ट की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक अभ्यर्थी धूप में ही ऑफिस के बाहर बैठे रहे। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार के द्वारा 27% रिजर्वेशन लागू किया गया और उसके उपरांत लगातार MPPSC के परिणामों को रोका गया। कोर्ट में जब यह केस गया तो कोर्ट ने यह कहा कि हमारा आपसे यह निवेदन है कि आप प्रक्रिया को जारी रखें, 27% जब फाइनल नियुक्ति होगी तब किया जाएगी। यह प्रक्रिया पुरानी रही। इसी के तहत पिछले 3 सालों से कोई भी एक पूरी भर्ती नहीं हो पाई है। अब लास्ट टाइम जब आए थे आप लोगों ने कवर किया था तो उस वक्त आप लोग भी अंदर गए थे, आप लोगों से मीडिया में यह बोला गया था कि कोर्ट केस का हमारे परिणाम देने से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं पर 181 के ऊपर जब मुख्यमंत्री को कॉल किया गया तो वहां पर यह रिप्लाई दिया गया कि कोर्ट केस का इससे संबंध है। तो हमें यह क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हमारा परिणाम आकर क्यों नहीं निकला है। 3 साल इंदौर में रहना, भंवरकुआं पर रहना, लगातार तैयारी करना, कई बच्चों की उम्र सीमा बाहर निकल रही है, कई लोगों को ये समस्या आ रही है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आयोग का यह संवैधानिक उत्तरदायित्व तो बनता है कि वह हमें जवाब दे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।